हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश जांगड़ा अपने चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्वराज 724 XM के गियरबॉक्स का पार्ट टू। तो दोस्तों, हमने इसके सभी पार्ट को सफाई किया और जो पार्ट हमने नया लेके आना था, जैसे सील और बैरिंग, जो पैकिंग वगैरह इसकी लेके आनी थी, हम लेके आए हैं। और इसकी इस टॉप सावट में हमने 6609 बैरिंग को लगा लिया है और अब हम इसकी टॉप सावट को इसमें गेयरबॉक्स के अंदर फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों, इसको ऐसे इस तरीके से हाथ से ही आराम से इसको हिला के फिट कर लेना है, तो यह बहुत ही आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों, यह बैरिंग इसकी बार वाली सीट के बराबर हो चुका है। हमने इसको और अंदर लेके जाना है ताकि यह अपनी सीट पे आगे जाके फंस जाए। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो कपड़ा रोलरों पे लगाया था, इस कपड़े को हटाना है और इसमें रबड़ के छल्ले लगा लेने हैं। तो हमने रबड़ के छल्ले लगा लिए हैं और कपड़े को हटा लिया है। तो दोस्तों, अब हम ऐसे ही प्यार से इस सावट को धीरे धीरे हाथ से अंदर करेंगे और बड़े ध्यान से हमने करना है, क्योंकि कोई भी रोलर इसका गेयरबॉक्स के अंदर ना पड़े। तो दोस्तों, ऐसे ही आराम से हल्के से ठपका लगा के इसको अंदर करना है। तो हमने अंदर किया और हमारी सावट फिटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, अब हम इसको घुमा के देखते हैं गेयरबॉक्स को कि यह आसानी से घूम रहा है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छे आसानी से फिटिंग हो चुका है। अब दोस्तों, हम इसमें आपको दिखाएंगे कि ये आगे जो टॉप सावट के आगे बैरिंग है, यहाँ पे ये लॉक लगाना है जो हमने इनर लॉक गेयरबॉक्स को खोलते वक्त निकाला था, तो वो हमने लगाना है। तो इस लॉक को हम आउट इनर नोज प्लास की मदद से दबा के इसको अंदर करेंगे। तो अरे, ये प्लास नहीं लगेगा, दूसरा प्लास लेके आओ, ये ख़राब है। तो दूसरा हमने प्लास लिया। वैसे दोस्तों, हम इसको यहाँ वो तो बिगर प्लास के भी अंदर कर सकते हैं यहाँ पे। तो प्लास को हटाओ भाई, इसको पहले अंदर वैसे डाल लो। तो दोस्तों, ये हाथ से दबा के हमने इसको अंदर किया और प्लास की मदद से हमने इस लॉक को लगा लिया है और हमारा ये लॉक फिटिंग हो चुका है। प्लास से दबा के हमने इसको फिटिंग किया, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से फिटिंग हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे इसकी जो ये सील वाली प्लेट है उसको लगाएंगे। सील लगा रखी है हमने, प्लेट को भी लगा लिया है। अब हम इसके जो ये 13 नंबर के 4 बोल्ट होते हैं, इनको लगाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि इसको हम कैसे फिटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने इसके सभी 4 बोल्टों को लगाने के बाद 13 नंबर की टी गोटी से इनको ऐसे, पहले नीचे वाला, अब इसके सामने वाला, ऊपर वाला बोल्ट ऐसे हमने टाइट करना है। अब इसके बाद में ये दोनों बोल्ट टाइट होने के बाद तीसरे बोल्ट पे यहाँ पे आएंगे हम। अब इसके सामने वाले बोल्ट को हम 13 नंबर की टी से ही इसको भी टाइट कर लेंगे। तो हमारे ये 4 बोल्ट टाइट हो चुके हैं। तो हमने इसके प्लेट के बोल्टों को टाइट करने के बाद इसके क्लच के बैरिंग को लगा लिया है और इसके क्लच सापट और फोर्क को भी ऐसे लगा लेना है। तो ये जो लॉक कार्टर वार्सर है, इसको हमने इसके गेयरबॉक्स के सापट के और फोर्क के बीच में ऐसे अंदर डालना है और इसमें ये 19 नंबर का बोल्ट लगा देना है ऐसे बोल्ट को डाल के। तो इसमें हमने बोल्ट को डाल लिया है, स्प्रिंग वार्सर लगा के 19 नंबर के नट को भी इस बोल्ट में हमने लगा लेना है। और इस नट को लगाने के बाद हमने 19 नंबर के रिंग पाने से इसको पूरा टाइट कर लेना है। तो दोस्तों, हमने इसको 19 नंबर के रिंग पाने से टाइट करना शुरू कर दिया है और इसको हमने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। तो दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल बोल्ट टाइट हो चुका है और अब हम इसका जो
ये फिटिंग करने के बाद इसका जो टॉप कवर है उसको भी हम लगाएंगे यहाँ पे, ये इसकी स्प्रिंग गियर की डाल के और इस पे टॉप कवर रख लेते हैं। तो हमने टॉप कवर को रख लिया है, हमने इसके सभी 19 नंबर के बोल्टों को भी लगा दिया है और इनके सभी बोल्ट लगाने के बाद हम 19 नंबर के रिंग पाने से इनके सभी बोल्टों को टाइट कर लेंगे और ऐसे ही हम ये बोल्ट आमने सामने के मिला के इसके लीवरों को भी चेक करेंगे कि ये सही डले हुए कि नहीं। ये सही डले हुए हैं, हमने इसको चेक किया है, सभी इसके गियर लग रहे हैं और इसका हाई लो का भी गियर काम कर रहा है और मेन गियर लीवर भी काम कर रहा है। और इसी के बाद में हम इसके सभी नट बोल्टों को टाइट करने के बाद फाइनल कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे और दोस्तों और किसान भाइयों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और दोस्तों, अगर आपने जिन दोस्तों ने हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। तो दोस्तों, हमारा गियरबॉक्स का यह काम बिल्कुल फाइनल हो चुका है और इसका गियरबॉक्स कंप्लीट हो चुका है। अब इसके का आगे का वीडियो, जो क्लच का फिटिंग का वीडियो है, वो हम अलग से जल्दी ही आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आपका दोस्त नरेश जांगड़ा, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।